हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11:11 में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी 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 नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा चा खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला माझ्याकडून, ठीक है? और मुझे भी मराठी में शुभेच्छा देना कमेंट में, ओके? तो आज मुझे आपको ये चैनलिंग देनी है, हेवी वाली है, हेवी एनर्जी थी, हेवी एनर्जी है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को फील हुई होंगी, बहुत सारे कम लोगों के साथ ही रेजोनेट हो सकती है। ये एनर्जी कल से बहुत ज़्यादा है आपका। अगर लेफ्ट साइड या फिर राइट, दोनों भी एक पार्ट आपका हेवी हो सकता है या फिर आपकी बॉडी हेवी हो सकती है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी, किसी भी प्रकार की अगर कोई एनर्जी आपने फील करी है तो ये चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होंगी, ठीक है? इसके साथ मुझे आपको देना है आज चैनल सॉन्ग, जो बहुत ही अच्छा है। मुझे मतलब मैं पूरा उसका, वो पंजाबी सॉन्ग है तो मुझे उसकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ फेमिनाइन के लिए। अगर कहूँ तो ये चैनल सॉन्ग इस बार मुझे फेमिनाइन के लिए चैनल हुआ है। ये आपकी एनर्जी फेमिनाइन, और जिसको भी ये मिलेगा ना, इसके साथ ही रेजोनेट होना ही है। अब ये कोई सैड वाली नहीं है, दुख वाली नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हमारी फेमिनाइन अपने डीएम से प्यार करती है, तो ये सारे उसके इमोशन हैं जो इस गाने में दिखाई दिए हैं या सुनाई दिए हैं, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। और अच्छी बात क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई पोर्टल आता है, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, या फिर कोई भी छोटा पोर्टल, बड़ा पोर्टल, कुछ भी, ठीक है, तो तब एक डोर ओपन होता है। आप और आपकी डीएम के बीच में कुछ भी नहीं रहता, वहाँ से आपकी टेलीपैथी बहुत अच्छे से होती है। तो हो सकता है कि कल सोलर इक्लिप्स के ऊपर आपके ऊपर सेक्सुअल एनर्जी भी हावी हो चुकी होंगी, आपको फील हुआ होगा। बहुत सारे लोगों की यूनियन हुए होंगे, बातें भी हुई होंगी और अच्छी हुई होंगी, ठीक है? थोड़े बहुत ट्रिगर भी आए हैं, ट्रिगर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और स्पेशली जब कोई पोर्टल आता है तो हमारे इमोशन जो है, जो हमने दबा के रखे हैं, आपके हार्ट से हो सकते हैं, आपके सेक्रल से हो सकते हैं, या फिर किसी भी चक्रा से जो आपके इमोशन है, किसी भी चक्रा का कोई इशू है जो आपने दबा के रखा है, किसी भी चक्रा से रिलेटेड कोई शैडो है जो आप नहीं देखना चाहते, या फिर किसी भी चक्रा को अगर आपको मिरर करना है तो वो आपके साथ स्पेशली पोर्टल के दिन बहुत ज़्यादा होता है या फिर उसके बाद भी होता है ना? तो ये एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। हर एक चक्रा से रिलेटेड आपका इशू बाहर आएगा जहाँ भी आपने उसको दबा के रखा है। मान लीजिए थर्ड आई डिसबैलेंस है, इल्यूजन ही इल्यूजन दिखेगा, डीएम आपको 3D में दिखेगा, आप उसको 3D में ही देखेंगे, आप उसको ब्लेम करेंगे, आप उसको कर्ज करेंगे, आप उसके थर्ड पार्टी को भी कर्ज करेंगे, ठीक है? मान लीजिए डीएम आ रहा है लेकिन आपका कहना है कि मुझे तो चाहिए नहीं वो, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मैं अपने आप में खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप 3D में मिले हैं, भगवान ने आपको मिलाया है, तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको चेस करें, लेकिन आपके दिल में उसके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगर आप खुद को एक फेमिनाइन बोलती है, अगर आप खुद को गाया बोलती है, अगर आप खुद को एक शक्ति का रूप बोलती है और अपने डीएम को शिवा बोलती है, तो आपको बिल्कुल शक्ति की तरह या मदर गाया की तरह, आप बोलते हैं ना कि लोगों को हम सोल पर्पस क्या करें, तो सोल पर्पस कौन करता है? सोल पर्पस हमारी गाया करती, जो हमारे लिए करती है। तो उसका उसका जो प्रकृति हम खुद को बोलते हैं, तो प्रकृति का कैसे होता है? कुछ भी दे दो, कुछ भी उसके अंदर डालो, वो निगल लेती है, अपने अंदर वो समा लेती है। तो उस तरह से बनो, और बदले में क्या देती है? बदले में प्यार ही प्यार देती है। तो उस तरह से बनो, और तब जाके खुद को शक्ति या प्रकृति का नाम देना। तो जो फेमिनाइन कह रही है कि मुझे तो वो चाहिए नहीं, और मुझे कुछ लेना देना नहीं, और मुझे, मैंने मतलब मैं खुश हूँ अपने आप में, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अपने सोलर पर काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सेक्सुअल इशू आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में बहुत इशू आ रहे हैं, जो भी है, तो अपने सेक्रल पे काम करो, उसको क्लींस करो। अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, फियर आपके अंदर है किसी भी बात को लेकर, तो अपने रूट को अच्छे से क्लींस करो, ठीक है? बोलने में हिचकिचाहट हो रही है,
इमोशन को बोलने में, या फिर मैं ना नहीं बोल पा रही हूँ, मेरा मन नहीं है फिर भी मैं ना नहीं बोल पा रही हूँ, डीएम हो या घर वाले हो या बाहर वाले हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, वहाँ पे आपका ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि थ्रोट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि कैसे हम अपनी चक्रा से रिलेटेड इशू को फाइंड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत से इशू आपके इस टाइम ऊपर आएंगे जिसको आपको क्लींस करना है। टावर मोमेंट की एनर्जी है, मतलब ट्रिगर आएंगे, ट्रिगर आ रहे हैं, इसके बाद भी आएंगे, तो इसके ऊपर भी हमें काम करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के बहुत सारे इशू ऊपर आए हैं और ये जो गाना है ये स्पेशली फेमिनाइन आपके इमोशन है, ठीक है। इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन अगर लो वाइब को फील कर रही है, वो जानती है कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, फिर भी हेल्थ इशू हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, लड़ने झगड़ने का कोई मन नहीं है, फिर भी ड्रेन फील कर रही है, पास्ट को देखती है तो अजीब सा फील होता है, पास्ट में देखती है तो दुख होता है कि मैंने इसको कितना प्यार दिया है और बदले में इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे धोखा दिया है, इसने किसी और को चूज़ किया है। अगर ये आपकी एनर्जी है, आपका दिल बैठ गया है, आपका दिल टूट चुका है, आपको अकेला फील हो रहा है और आपको एकदम होपलेस और हेल्पलेस लग रहा है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा। ओवर थिंक की एनर्जी अगर आपकी है तो ये गाना डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो उन्हीं फेमिनिन के साथ ये गाना रेजोनेट होगा। तो मैं आपको बता दूँ फेमिनिन, ये जितने भी नेगेटिव इमोशन है इसको निकाल लीजिए, ये गाना है जो है ये आपके इमोशन तक जाएगा, इसको टच करेगा और जो इससे निकल के आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा तब तक इस जर्नी में आप आगे नहीं जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं 5D में। अगर आपको 5D में शिफ्ट होना है तो ये 5D का दरवाज़ा ही आपका हार्ट चक्र है, क्योंकि यही आप दोनों को जोड़ता है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि वो मेरा DM है, तो फिर अगर आपको 3D में मिलवाया है तो यूनियन तो होकर रहेगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं उसको चेस करेंगे या फिर उसके पीछे भागेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो आ रहा है तो उसको रिपल करेंगे और मुझे चाहिए नहीं, मैं खुद के अंदर कंप्लीट हूँ, बिल्कुल आप कंप्लीट है, लेकिन वो अगर 3D में मिला है तो कुछ तो पर्पस होगा ना डिवाइन का, अगर नहीं होता तो आप दोनों मिलते ही नहीं, अगर नहीं होता तो आप दोनों शादी के बाद क्यों ही मिलते, या शादी से पहले क्यों ही मिलते, या फिर मिलने के बाद आपका सेपरेशन होता ही क्यों। अगर कोई पर्पस है इसलिए डिवाइन ने ये सारा प्लान आपके लिए बनाया है, ताकि आप आगे चल के अपने आप को क्लींस करके, अपने ऊपर काम करके, खुद को लाइट बना के उस लाइट से लोगों को हील करें। क्योंकि अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ तो पर्पस है, विदाउट पर्पस आप यहाँ पे नहीं आए हैं। हम एक नेट बना बना के मदर गाया को हम हीलिंग या वाइब्रेशन उनके बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आने वाला साल हमारे लिए, हमसे ज़्यादा हमारे गाया के लिए बहुत हेवी है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अच्छे से इनर वर्क करके वाइब्रेशन को बढ़ाएं, और ये कभी ना सोचें कि मेरा पर्पस क्या है, आप बस अपना काम करो, समझो कि पहला पर्पस आपका यही है कि मेडिटेशन करके माँ को हम वाइब्रेशन बढ़ाने में हेल्प करें। तो ये सारी एनर्जी फेमिनिन मुझे आपको बतानी थी, बहुत ज़्यादा हेवी, आपकी आँखों में हेवीनेस हो सकता है, आपके सर में स्पेशली क्राउन में आपको झुनझुनी या टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है। आपका शोल्डर, एक ही शोल्डर, राइट या लेफ्ट, अगर आपका पेन हो रहा है तो ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट में पेन बताया मैंने, और हाँ, आपके थर्ड आई के आजू बाजू आपको पेन फील हो सकता है, एक टेंशन सा फील हो सकता है आपको अपने चेहरे में या फिर आपके शोल्डर में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फील कर रही है तो ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा, और क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स या फिर गाने के थ्रू जितने भी इमोशन आपके आ रहे थे, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई इसको देखो, जो दबा के रखा है ना उसको निकालो, चाहे आप पर्च कर लो या फिर आप लिख लो या फिर रो लो धो लो कुछ भी कर लो, लेकिन उसको अंदर मत रखो। यही पोर्टल की खासियत होती है कि जो हमारे अंदर गंदगी होती है ना, किसी भी फॉर्म में निकल कर आती है, ठीक है। तो गाने को सुनना, देखना नहीं, बहुत ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। और थिंक मत करो, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से की एनर्जी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनाइन दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये सारी एनर्जी मुझे आपको बतानी थी, जो बेहद ज़रूरी थी, नहीं तो मेरा भी दिमाग फट जाएगा। कल से मैं इसको स्टोर करके रखी हूँ और आज मुझे टाइम मिला तो आपको दे दिया, जस्ट सेशन क्लोज किया और आपके लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। तो
हाँ, और एक अच्छी एनर्जी है कि बहुत से फेमिनाइन अपना सोलमेट भी अट्रैक्ट कर रही है, मैंने लास्ट भी बोला था। तो जो फेमिनाइन सोल बॉडी माइंड से अलाइन है, तो हो सकता है कि उनके लाइफ में सोलमेट आएगा और उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देके जाएगा उनके सोल पर्पस की तरफ, ठीक है, क्योंकि सोलमेट हमेशा हेल्प करने के लिए आते हैं। अब मेल फीमेल एनिमल कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। ट्रिगर भी आ सकते हैं, ईगो शटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मैस्कुलिन की एनर्जी डालूंगी कल या परसों डिटेल में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, वीडियो को पूरा सुनना और गाने को बहुत अच्छे से कॉर्ड लगा के रात को आराम से, जब कोई डिस्टर्ब ना करे तब सुनना, ठीक है। और उसके बाद आपके इमोशन कैसे ऊपर आते हैं, क्या फील होता है, अच्छे बुरे सबको लिखना, और जो आपके काम का नहीं है उसको जला देना, रिलीज़ कर देना, और जो काम का है उसको ले लेना, ठीक है। तो हाँ, झूठ नहीं बोलना, खुद से झूठ नहीं बोलना। जब शाडो सामने आता ना, कई बार हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कहना नहीं था, मैं ये कहने वाली थी तो इसीलिए मुझे ये लगा, ये बहाने नहीं चलेंगे। लगा ना, वो जो लगा ना वही हमारे लिए काम का है। तो जब भी आप कोई इमोशन आपका ऊपर आता है ना, उसको कैच कर लेना, पकड़ लेना और लिखना उसे, और देखना ये मेरे काम का है, अगर नहीं है तो तभी के तभी उसको रिलीज़ कर देना, उसको जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, गाना कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना, सुनना और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।